हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं यहाँ के मौसम के साथ। और मौसम अभी आप देख सकते हो, थोड़ा बादल तो आए हुए हैं लेकिन धूप लगी हुई है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है। एक दो दिनों से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, इस वजह से बहुत मतलब चिपचिप वाली गर्मी हो रही है। और ऐसे बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा मतलब शांत रहता है मौसम, ठंडा ठंडा होता है तो अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर ये अभी पतिदेव तोड़ रहे हैं सब्जी, ये कल शाम का है, संडे को ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, उसके बाद का है ये। ये हमारे ही किचन गार्डन में लगी हुई थी, गंगहरी हम लोकल में बोलते हैं, तो तीन चार यहाँ पे लगी हुई थी, हमारे लिए आराम से सब्ज़ी बन जाती। तो सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए मैंने फिर ये सब्ज़ी बनाई। तो सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई मैंने रख दी है, गरम तेल में कुछ सूखे मसाले और प्याज डाल दिया है। प्याज जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे तो फिर मैं इसमें डालूंगी सूखे मसाले, थोड़ा सा हल्दी, गरम मसाले, नमक, वो सब चीज़ें, मसाले आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और बड़े बड़े करके मैंने ये टमाटर भी डाल दिए हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी और थोड़ी ही देर में ये गल जाते हैं बहुत इजीली। तो देख सकते हो आप कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। और तब तक मैंने ये जो सब्ज़ी निकाली हुई थी, बाहर का छिलका हम इसका निकाल देते हैं, बहुत सख्त जैसा होता है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होती है, पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 मिनट ही लगते हैं इसको पकाने में। और मेरी ये फेवरेट सब्ज़ी है, बोलते हैं कि बहुत ही निरोगी सब्ज़ी होती है, ज़रूर खानी चाहिए। तो बच्चों को भी टिफ़िन में मैंने यही सब्ज़ी दी है और ब्रेकफास्ट के लिए हमारा गुजारा हो जाएगा इतनी सी सब्ज़ी के साथ। इसके बाद फिर बच्चों को स्कूल छोड़ के मैं आ गई हूँ और फिर मेरे घर के कामकाज स्टार्ट हो जाएंगे। वो सब मैंने आज आपके साथ शेयर नहीं किया है क्योंकि आज मेरा एक पार्सल आया है अमेजोन से, वही चीज़ फिर मैं आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वॉल स्टिकर है तो अभी लगा के दिखाऊंगी आपको कि कैसे लगेंगे कैसे नहीं लगेंगे। और एक मैंने मतलब दो मंगवाए थे, एक मैंने खोल दिया और होता है ना मतलब एक्साइटमेंट होती है जब भी कोई नई चीज़ आती है। और ऐसे भी मैंने सोचा पता नहीं अंदर क्या होगा तो देख लेती हूँ, मतलब एक को चेकआउट कर लेती हूँ तभी आपके साथ फिर मतलब इस तरह से शेयर करती हूँ। तो देखने से तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी बाकी लगाने पे ही पता चलेगा कि कैसे दिखेंगे और कैसे लगेंगे। तो ये दूसरा ये कुछ इस तरह का है। और ये भी बता दूँ फिर आप पूछोगे कि कितने के थे, तो ये ना एक ये वाले 105 के थे, तो दो हैं ये, मतलब दो ट्री जैसे हैं। पिक्चर भी मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे जैसे थी, ये ना खुल नहीं रहा है तो इसको मैं खोल लेती हूँ तो फिर दिखाती हूँ कहाँ मैं इनको लगाऊंगी। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट ही था, मतलब कि अगर मेरे को फिर अच्छे लगे ये तो मैं और भी मंगाऊंगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा मतलब इस रेंज के ही लिए थे ताकि पता तो चल जाए। ऐसा होता है ना ऑनलाइन में चीज़ें जैसे हम ऑर्डर करते हैं जैसे पिक्चर में होती हैं तो वैसे आती नहीं है कई बारी, मेरे साथ तो बहुत हुआ है ऑनलाइन में, जितनी भी बार कपड़े खरीदे ना मुझे कभी भी सही सी चीज़ें नहीं मिली घर पे, इसलिए फिर मुझे भरोसा नहीं होता ऑनलाइन जब भी मैं कुछ भी लेती हूँ। तो देखती हूँ अभी भला ये भी वैसे ही है या नहीं है। नहीं यार वैसा ही है जैसे मतलब कि मैंने पिक्चर में देखा था। तो अभी मैं वॉल पे लगा के बताती हूँ आपको कि कैसा ये लगेगा कैसे दिखेगा। तो अभी तुमको अच्छा लग रहा है? तो अब मैं इन स्टिकर्स को वॉल पे प्लेस करने वाली हूँ, देखते हैं कि किस तरह के ये दिखाई देंगे, अच्छे भी लगेंगे या ऐवे ही पैसे खर्च कर दिए। तो ये मेरे को ना ये जो मोर वाला है ये पड़ा है 220 या कुछ, मतलब दोनों को मिला के 320 के ये मुझे पड़े हुए हैं, ऑनलाइन ही ख़रीदे हैं अमेजोन से। तो ये इजी होते हैं निकालने के लिए भी और लगाने में भी इजी हैं, वॉल स्टिकर्स इन्हें बोलते हैं। और इजीली आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो आपको अच्छे अच्छे और भी मिल जाएंगे। मुझे ये वाला मोर वाला बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने फिर यही ऑर्डर किया था। और साथ में फिर ये फ्लावर्स के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा, इंस्ट्रक्शन इसके दिए रहते हैं, इसके ऊपर ही स्टिकर के ऊपर ही एक छोटा सा लगा रहता है, उसमें आपको मतलब पूरा दिया होता है कि कौन सा कैसे लगाना है, नंबर वाइज मतलब दिया होता है। मैं दिखाती हूँ आपको आगे पूरा ही और आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो वॉल के ऊपर। मैंने थोड़ा सा पहले एडजस्ट नहीं किया था और एकदम से लगाना ही चालू कर दिया। इस पर ना इंस्ट्रक्शन दी गई है नंबर वाइज, नंबर 1 पे था ये लगा दिया मैंने, अब ये नंबर 2 है
तो मैं इसे निकालूंगी। ये दिया हुआ है यहाँ पे सारे का सारा भी, किस तरह से आपको लगाना है, मतलब झंझट वाली कोई बात नहीं है, इजीली आप लगा सकते हो और अकेले ही आप इसको लगा सकते हो, दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा दिक्कत तब आती है जब आप मतलब अगर हाइट में छोटे हो और ऊपर वॉल पे ऊंचाई पे आपको लगाना है, तो मैंने भी आज ये खुद ही लगाया है। अब ये मैं तीसरे नंबर का, ये ना लगाती बार थोड़ा सा मतलब ध्यान देना पड़ता है जो भी पिक्चर आपकी है ना, तो उसके हिसाब से। और ये पूरा का पूरा प्लास्टिक का ही है, अगर आप ऐसे सोचो कि क्या ना, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो एकदम ऐसा लग रहा है जिससे ना टाइल ही है ये वॉल के ऊपर। मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहा है अभी ये ना, और पूरा लगने के बाद आप भी देखना, मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा ये। बस प्लेस करते बार आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसकी एजेस अच्छी तरह से मिलें, ताकि मतलब गैप ना बीच में दिखे, तो फिर ये बिल्कुल अच्छा लगता है और बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपने ये पेंटिंग करवाई है या टाइल्स इस तरह की लगवाई है। यानी मैं आपके साथ ये डिटेल में इसलिए शेयर कर रही हूँ ना, क्योंकि पहली बारी में जब भी हम कोई चीज़ इस तरह से लगाते हैं ना, तो कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कहीं हमारे से गलती ना हो जाए। तो मैं भी ऐसी थोड़ी सी कन्फ्यूज़ थी, पर इजीली लग जाता है, ऐसा टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। तो अभी देखिए आप वॉल के ऊपर लगा हुआ कितना सुंदर लग रहा है, और अभी आपको वीडियो में हो सकता है कि छोटा सा नज़र आ रहा हो, लेकिन छोटा नहीं है ये। आप देख सकते हो कि सोफ़ा, ये मतलब तीन बंदे बैठते हैं सोफ़े के ऊपर, तो इतना बड़ा है ये, और इस पे मतलब लगभग पूरा ही ये आ गया है, जैसा आपको दिख रहा है मतलब सोफ़े की लेंथ के जितना। तो ऐसा मत सोचिएगा कि बिल्कुल छोटा सा होगा कैसा लगेगा, और कैमरा में इतना ब्राइट भी नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ कलर इसका बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। और ये जो ऊपर फिर मैंने फ्लावर लगाया ना, इसको लगाने के लिए भी मुझे बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ी, सोफ़े के ऊपर चढ़ चढ़ के मैंने लगाया है, इसलिए फिर ये जो सेकेंड वाला है बस इसको मैंने लगाने की ही की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बार बार इसको पहले निकाल दी थी, ऊपर पेस्ट कर रही थी, और फिर मतलब मैंने सोचा कि जल्दी मैं अब काम को निपटाने की ही कोशिश करती हूँ। होता है ना मतलब स्टार्टिंग में बहुत क्रेज़ होता है, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो फिर क्रेज़ ख़त्म हो जाता है, फिर हम निपटाने की ही सोचते हैं। तो इसलिए मैंने ये इसी तरीके से लगा लिया जो आपको सेकंड वाला फ्लावर दिख रहा है, ये ब्रांच जैसी, अदरवाइज़ इसको भी जैसे ये फर्स्ट वाला लगाया उसी तरह से लगना था। तो एक चेयर भी रखी हुई थी मैंने, मतलब एक बार तो मैं गिरी भी इसको लगाते लगाते, यार होता है ना थोड़ा हाइट में दिक्कत आ जाती है, लेकिन मैं पतिदेव के आने का वेट नहीं कर पा रही थी, इसीलिए फिर मैंने ये लगाया, और देखिए बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अभी मैं लिविंग रूम की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लेती हूँ, फाइनल लुक दे देती हूँ, ताकि मुझे भी फिर ये सारा मतलब अच्छे से देखने को लगे। तो फिर इस तरीके से मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ जब भी मुझे लिविंग रूम की अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, क्योंकि मॉपिंग से ना कॉर्नर्स रह जाते हैं, तो या तो फिर पोछा हाथ से लगाओ, या फिर ये वाला चीज़ ना बहुत ही बेस्ट लगती है मुझे, एकदम से इससे क्लियर हो जाता है। पोछे से भी आपको उतनी क्लियर सफाई नहीं मिलती जितनी इससे मिलती है, पर हाँ इस सफाई को करती बार आपको ये ध्यान जरूर रखना पड़ता है कि आपके निचले वाले फ्लोर में कोई ना हो, नहीं तो पानी गिरेगा तो ऑब्वियसली गालियाँ तो पड़ेंगी ही, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि खुली बालकनियाँ हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है, पानी मतलब खुला जाता है, और बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है आप में से कुछ एक बोल दोगे कि पानी वेस्ट मत करो, तो हार्डली मेरे 3 से 4 मग ही यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं, और यूजुअली जब आप पोछा करते हो ना तब भी इतना पानी तो लग ही जाता है, और फिर बार बार एक ही बकेट में वो सब डिप करते रहो तो वो फिर गंदा भी लगता है, और ये चीज़ मुझे बेस्ट लगती है। बस आराम से एक बार इस तरह से डिटर्जेंट वाले पानी से हार्डली एक जो मग है उसे कीजिए, और फिर ऊपर से वाइपर से कर लीजिए, तो एकदम क्लियर हो जाता है और बहुत डीप जैसी आपको सफाई यहाँ पे देखने को मिलती है। तो बस अब मैंने ये नीचे मैट लगा दिया इसके टेबल के नीचे, और अभी आप फाइनल लुक मेरे लिविंग रूम की देख सकते हो कि पहले के कंपैरिजन में अभी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा है। और होता ही है ना, जब भी हम अपने घर में या रूम में कोई भी छोटी सी भी चेंजेस करते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है, ऐसा ही मेरे साथ भी हो रहा है, इसीलिए फिर मैंने आपके साथ ये फिर से डिटेल में शेयर किया कि कुछ इस तरह से मेरा लिविंग रूम दिखाई दे रहा है। और ये सब जो मैंने इस पे वॉल पे लगाया तो 320 रुपये का मेरा खर्चा हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें वैसी ही हैं पुरानी, तो आप समझ सकते हो कि 320 रुपये में ही मुझे काफ़ी अच्छा लिविंग रूम आज मिल रहा है। और इसके बाद जब मुझे थोड़ा खाली टाइम मिल जाता है तो मैं पुरानी चीज़ों को देखती हूँ, कोई ख़राब तो नहीं हो रही, तो कोई साफ़ करने के लिए तो नहीं है, तो ऐसे ही आज मुझे फिर पिक्चर्स मिली हैं, मैंने कुछ ये पुरानी पिक्चर्स निकाली हैं। आप पूछ रहे थे ना कि मेरी सासू माँ कैसे दिखते थे, तो कुछ पिक्चर्स मुझे मिले हैं वो आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये मेरी सासू माँ हैं, ये ससुर जी हैं, और भी पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ,
तो ये देखो, एक ये भी सासू माँ की ही पिक्चर है और ये पति देव की बहुत पुरानी सी पिक्चर्स हैं। कुछ और भी मिली हैं तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस तरह से दिखते थे पतिदेव। और सासू माँ की भी हैं और पिक्चर्स। तो ये पिक्चर दिल्ली का है। ये घर इनका दिल्ली में था पहले, लेकिन फिर बाद में बेच दिया था, सासू माँ ने ही बेच दिया था। उनको वहाँ पे रहना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सारे रिलेटिव्स यहीं पे थे, इसलिए फिर ये भी वहीं का है। तो जो स्कूटर पे आपको दिख रहा होगा तब मैंने बताया, फिर आप सोचते कि आप तो HP के हो तो फिर ये DE क्यों लिखा हुआ है। तो ये सासू माँ के ही पिक्चर हैं। पीछे ये मेरी ननद हैं और ये फिर से पतिदेव का, ये तो यहीं का है, हिमाचल का ही। तो इस तरह के दिखते थे मेरे सासू माँ। तो ये है बड़ा सा पिक्चर एक जो मैं आपको दिखा दूँ। काफ़ी दिनों से आपने बोला हुआ था, मेरे माइंड में था, लेकिन ना मुझे कोई भी पिक्चर्स मिल नहीं रहे थे। फिर जैसे आज मुझे ये मिले तो फिर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये पतिदेव का बचपन का एक पिक्चर है और ये है इनकी पूरी फैमिली फ़ोटो। ये भी दिल्ली में ही खिंचवाई है शायद। तो ये खाओ समोसे, खाओ खा लो। तो बच्चे अभी आ गए हैं स्कूल से और इनको भी लिविंग रूम की ये वाली वॉल बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए बार बार यहीं पे आ रहे थे मेरे साथ बैठने। और हाँ, प्यार बहुत करते हैं ये दोनों ही मुझसे। और अपनी जब इनको कोई बात मनवानी होती है ना तो फिर मस्का लगाते हैं खूब ही। दीदू तो बहुत मस्का लगाता है, जब इसको अपना कोई काम करवाना होता है ना तब तो ऐसे बिहेव करेगा ना जैसे इससे प्यारा तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। कितना दो? पूरा खत्म कर देगा अभी अभी सारा टोटल। तो होता है ना कभी पुरानी चीजों को हम सब निकालते हैं ना तो एकदम से कुछ एक चीज़ों पे हमें बहुत हंसी आती है। तो मैं अकेले ही बैठ के ना हंस रही थी जोर जोर से। एक्चुअली पिक्चर्स मतलब जो पतिदेव की थी ना, कुछ एक पिक्चर्स बहुत फनी फनी खींची हुई थी उन्होंने, तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी और मैं अकेले अंदर हंस रही थी रूम में। डैडी जी हमेशा बाहर बैठे होते हैं, इनसे बात कर रहे होते हैं आपस में वहाँ पर बैठ के, और ठंडी ठंडी हवा भी चली होती है तो उनका भी वहीं पर एंटरटेनमेंट चला होता है। तो कभी कभी मैं भी बैठ जाती हूँ उनके साथ गपशप करने। उनको भी दिखाई वो पिक्चर्स, मतलब उनकी भी थी ना बहुत सारी, फिर उन्होंने भी काफ़ी देर तक मतलब सबने देखी। होता है ना जब इस तरह से निकलती है तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। फिर हाँ, ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मैं मतलब वो चीज़ भी आपके साथ कैप्चर करके शेयर करना चाह रही थी ना कि वो भी कैसे हंस रहे थे। फिर अपनी मतलब काफ़ी मेमोरीज उन्होंने मुझे बताई कि ऐसा ऐसा करते थे बचपन में, ये ऐसा करते थे, कैसे कैसे उनकी मम्मी उनके पीछे दौड़ी रहती थी। वो जो स्कूटर दिखा रहे थे ना तो उसकी तो मतलब हालत इतनी खस्ता बना के रखी हुई थी। तो मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी गपशप हम कर रहे थे, बहुत मज़ा भी आ रहा था। हाँ मतलब काफ़ी देर बैठ के उनके साथ बैठ के फिर मैंने गपशप भी करी है। तब को फिर बच्चे आ गए, फिर बच्चे आ गए तो फिर और भी धमाल मच गई और हम सारे फिर बार बार ना उसी वॉल के मतलब सोफों पे बैठ रहे थे। एक्चुअली इस वॉल पे था मेरा पहले लगाने का, जो फ्लावर जैसे ऑर्डर किए थे, मतलब जो मैंने एक अलग सा ही मोर है वो मैंने सिर्फ उसी लिविंग रूम के लिए ऑर्डर किया था और वो फ्लावर किए थे इस रूम के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम आपके साथ बात करती हूँ तो वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब सुनी सुनी सी लगती है दीवारें। तो यार कभी भी ना मैंने इस तरह से डेकोरेशन पे ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि हुआ ही नहीं ऐसा कभी भी बच्चों में, मतलब गिरी रही बच्चों की आपको पता है टेंशन छोटी सी बात, बच्चे आपको पता ही है कि रात को जागते हैं, खुद जागते हैं फिर मम्मियों को भी जगाते हैं और दिन में खुद सोए रहते हैं और मम्मी बेचारी करे फिर घर का सारा काम। तो आपको पता है ये मेड यहाँ पे मिलती है नहीं, आपके जो आप बोलते हो ना अच्छे कमेंट्स, हाँ तो आपने मतलब कई बार मेरे को सजेस्ट किया कि मैं मेड रख लूँ, पर यार कहाँ से लाऊँ, मैं कब की से सोच रही हूँ कि होता है थोड़ा सा मतलब खुद को भी रिलैक्स हो जाता और ये जो मतलब कोई और कुछ एक्स्ट्रा में सीख जाती या फिर स्टडीज पे फोकस करती या कुछ भी मतलब अपना करती, अगर इस तरह से थोड़ी सी हेल्प मिल जाती, पर कहीं भी नहीं मिलती। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया कहीं नहीं मिली,
तो फाइनली फिर मुझे ही करना पड़ता है सारा काम। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में किसी और अच्छी सी गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।